हमारे साथ तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ माईराम कौशिक जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और आनंद सिंह हुड्डा जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तमाम ऐसे और वरिष्ठ साथी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। माईराम जी, आपके सोनीपत जिले की मैं बात करूं, हाल ही में योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली हुई है, क्या समझते हैं, कितना प्रभाव है सोनीपत की 6 सीटों पर? योगी आदित्यनाथ जी ने एक मैसेज दिया है पूरे हरियाणा को जी, अग भाई बटोगे तो कटोगे, एकजुट हो जाओ। बिल्कुल एकजुट हो गए। तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार लानी है और नायब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, किसी प्रकार का किसी भाई को शक नहीं रहना चाहिए। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही है। हाल ही में संकल्प पत्र की बड़ी चर्चा है, भाजपा के संकल्प पत्र की हाल ही में जारी हुआ है। विपक्षी आरोप लगाते हैं, हुड्डा कहते हैं कि इन्होंने हमारे संकल्प पत्र को कॉपी कर लिया। हुड्डा साहब ने, कांग्रेस जी ने जो भी संकल्प पत्र जारी किया है वो तो ऑलरेडी हमने पहले ही लागू कर रखी है। हम उन्होंने 500 रुपए सिलेंडर हम ऑलरेडी दे रहे हैं, 2100 रुपए हम लाडली बहनों को दे रहे हैं, और जो भी हुए लेके आए हुए तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं। एक हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहाँ 24 फसलों पर हम खरीद कर रहे हैं, और ये सब 56 दिन में जो नायब सिंह सैनी जी रहे हैं, जितनी उन्होंने पिछली सरकार 10 साल में किया था कांग्रेस सरकार ने, उतना तो उन्होंने 56 दिन में कर दिया। और जब आने वाली जो सरकार होगी नायब सिंह के नेतृत्व में तीसरी बार, वो एक आप देखोगे अद्भुत करिश्मा होगा, और हरियाणा पूरे भारत में नंबर वन है और नंबर वन ही रहेगा। नायब सिंह सैनी जी एक बात कहते हैं, यहाँ सोनीपत में भी उन्होंने कहा था कि 56 दिन की ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म बाकी है, तो इसका कितना असर है, क्या मानते हैं आप ट्रेलर और पिक्चर में, क्या समझते हैं? एक पूरे हरियाणा के अंदर कार्यकर्ताओं में एक जैसे त्योहार होता है ना दिवाली का, और इस तरह से उत्साह है नायब जी के लिए। और जैसे 5 तारीख की वो आएगी, सुबह से ही आप लाइन में देखोगे भारतीय जनता पार्टी के नारे होंगे, जय जयकार के नारे होंगे, और हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा। चलिए, हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा ऐसा दावा है अशोक जी, जी जी, तमाम ऐसी बातें हैं और सियासी दल अपना अपना दावा पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। पहले मैं और आनंद हुड्डा जी से बात कर लेता हूं। हुड्डा साहब, 25 तारीख मोदी जी की रैली को लेकर के, मोदी जी की जनसभाओं को लेकर के बड़ा खासा उत्साह है, बड़ी रौनक है, गाड़ियों की कतार भी खड़ी हुई है, क्या तैयारियां हैं सोनीपत को लेकर? विश्व के शांति दूत, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी 22 विधानसभाओं की रैली को संबोधित करने के लिए गोहाना में हुड्डा सेक्टर में आ रहे हैं, और इतना भावे उनका स्वागत होगा कि मुझे नहीं लगता हरियाणा की कोई भी सीट हमारी कमजोर नजर आए। सारी की सारी सीटें हम जीत करके इतिहास रचने जा रहे हैं, 90 के 90 कमल खिलेंगे, और मोदी जी के भाषण से, उनका मैं भाषण नहीं प्रवचन मानता हूं, उनके प्रवचन से जो सुगंधी फैलेगी कमल के फूल को पूरा खिला देगी, और 90 की 90 विधानसभाएं मोदी जी की हरियाणा मोहनलाल ब्रौली, त्यागमूर्ति मोहनलाल ब्रौली के नेतृत्व में कमल के फूल मोहनलाल ब्रौली पूरे 90 के 90 जीत करके श्रीमान विश्व शांति दूत, वह विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का, त्यागमूर्ति मोहनलाल ब्रौली ये काम करके दिखाएंगे, इतिहास रचेंगे। मोहनलाल ब्रौली, मैं त्यागमूर्ति इसलिए कहता हूं कि 90 के 90 सैंबलों पर मोहनलाल ब्रौली के दस्तक होंगे, और कृष्णा गहलोत जी को राय की अपनी सीट बहन बना करके 500 का लोट दे करके आशीर्वाद दे करके, जिस तरह से बड़ी बहादुरी से माईराम शर्मा और मोहनलाल शर्मा अपनी बहन को आशीर्वाद दे करके 50,000 से ऊपर की लीड दिवा रहे हैं, इससे बड़ा त्यागमूर्ति विश्व में रिकॉर्ड काम किया है मोहनलाल ब्रौली ने। कभी दशरथ पुत्रों ने ऐसा किया था जैसा आज मोहनलाल ब्रौली ने करके दिखाया है। खड़ाऊ राज करके गई थी, ये वो देश है, उस परंपरा को मोहनलाल ब्रौली ने कायम करके दिखाया है। उसी तरह से कृष्णा गहलोत को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अब ब्रौली जी का जी जी नमस्कार, मैं मौजूद हूँ राई विधानसभा में, और मेरे साथ अशोक नरवाल जी हैं जो जाखोली मंडल के प्रभारी हैं। क्या चल रहा है राई में, और किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, ये सीधे मंडल प्रभारी से ही पूछ लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी,
आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार जी, क्या तैयारियां चल रही जी राय में? राय में हमारी एक तरफा जीत चल रही है मैडम कृष्णा गहलोत, कम से कम 50,000 वोटों से विजयी होगी। ऐसा माना जाता है कि झज्जर, रोहतक और सोनीपत हुड्डा का गढ़ है, तो उस गढ़ को भेदने के लिए क्या रणनीति है? ऐसा है, यहाँ कोई गढ़ नहीं है, यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का गढ़ है, इनका हुड्डा साहब का कोई गढ़ नहीं है। यहाँ हमारी एक तरफा जीत होने जा रही है, सोनीपत में हुड्डा साहब को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। चलिए, जखोली में हाल ही में एक बड़ी रैली कह सकते हैं, एक बड़ा जो हिंदुत्व का चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सिंह गर्जना हुई है, कितना असर मानते हैं पूरे सोनीपत जिले में? बहुत ज्यादा, इसे हमारे सोनीपत जिले में हमारे जो जीत 30-35 हजार की थी वो 50-55-60 हजार तक जा पहुंची है। चलिए, तमाम जो हमारे दर्शक हैं या आपके जो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है, उनके लिए मंडल प्रभारी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, मतदान को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये मतदान के लिए अपील करना चाहते हैं, वोट वाले दिन एक एक अपने बड़े को, बुजुर्ग को, भाई को, बहन को, सभी सुबह सुबह निकल कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।